नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पाइस एंड फ्लेवर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी, जिसमें मैंने 3 शिमला मिर्च काट ली हैं और 4 प्याज मैंने काट लिए हैं, जिनको मैंने अलग कर ली हैं उसकी परतें। इधर मैंने एक प्याज चॉप कर लिया है, अदरक और लहसुन को ग्रेट कर लिया है, 2 हरी मिर्च काट ली हैं और 2 टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है। गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। इसमें मैं अब सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमें प्याज और शिमला मिर्च को इसमें फ्राई करना है। तो तेल गर्म हो गया, अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज को और शिमला मिर्च को भी इसके साथ ही डाल दूंगी। दोनों को हम इकट्ठे ही फ्राई कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिलाना है और ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा ये क्रंची से रहें तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाद में भी ये थोड़े गलेंगे जब हम इसको तड़का लगाएंगे। तो 1-2 मिनट में जब ये हल्के फ्राई हो जाएं तो इसको हम निकाल लेंगे। फिर से हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रहने देंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद उसमें हम एक काली मिर्च डाल देंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने जो प्याज चॉप करके रखे हैं उनको डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भून लेना है। जब इनका कलर चेंज हो जाए थोड़ा, तो इसमें ग्रेट किए हुए अदरक और लहसुन को भी डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्च जो काट के रखी है, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तो उसके बाद हम इसमें अब डाल देंगे टमाटर, इनको भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम डाल देंगे गरम मसाला, 1/2 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच और मैं हल्दी डाल रही हूँ, मुझे कम लग रही थी, इसको भी मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, ये स्मूथली हमारा जो स्पैचुला है वो चल सके और अच्छे से मसाले भी पक जाएं। इसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे, 1 मिनट बाद फिर से खोलेंगे और इसको चेक कर लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हल्का हल्का इसको दबा सकते हो। इसके बाद मैंने 4 चम्मच ले लिए हैं फ्रेश कर्ड के, तो उसको मैंने थोड़ा सा घोल के और उसको डाल लिया है। इसकी जगह आप लाई का भी यूज़ कर सकते हो, क्रीम डाल सकते हो इसमें। उबाल आने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 से थोड़ा कम डाल लेंगे गरम मसाला और इसको भी मिला लेंगे। अब इसमें हमने जो फ्राई की थी शिमला मिर्च प्याज उसको डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद इसमें मैं आधा कटोरी डाल रही हूँ पानी की, इसे भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे ढक्कन लगा देंगे और 3 मिनट बाद जब खोलेंगे तो देखिए हमारी शिमला मिर्च जो है बन गई है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि मुझे इसमें भी नमक थोड़ा कम लगा तो इसलिए आधा चम्मच मैंने और डाल दिया। थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने डाल दिया है मसाला और कसूरी मेथी डाल दी है ऊपर से, इसको भी मिला लेंगे। देखिए हमारे प्याज और शिमला मिर्च बनके तैयार हो गई हैं। अब हम सर्व करेंगे इसको, सादी परांठी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।